प्रश्न नंबर एक, यक्ष का मान वाई के पदों में लिखिए। देखिए यक्ष माइनस वाई बराबर चार, यानी कह रहा है कि यक्ष में से अगर वाई घटाया जाए तो कितना आता है, चार। तो यहाँ पर है दो, लेकिन हमको मान लाना है सिर्फ यक्ष का मान, वो भी वाई के पदों में। तो यक्ष बराबर हो जाएगा चार प्लस वाई, ये माइनस का वाई है, यानी यक्ष का मान, ये देखिए यक्ष बराबर लिखा है जो, यानी यक्ष का मान कितना है, चार प्लस वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अगर पूछा जाए यक्ष का मान कितना है, चार प्लस वाई, ऐसे इसी प्रकार यहाँ पर भी निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले दो यक्ष बराबर छः, ये प्लस का चार वाई इधर जाएगा, माइनस का चार वाई हो जाएगा। अब जो दो इधर गुणे में है इसके, तो यक्ष बराबर छः माइनस चार वाई बटे दो। अब देखते हैं यक्ष माइनस, इसमें से ऊपर दो कॉमन ले लेंगे, तो बचा तीन माइनस दो आई बटे दो, यानी दो से दो गए कट, यानी यक्ष का मान, देखिए यक्ष का मान कितना आ गया, तीन माइनस दो वाई। जैसे हम कहते हैं यक्ष बराबर आठ, यानी यक्ष का मान कितना है, आठ। इसी प्रकार यहाँ पर यक्ष का मान कितना है, तीन माइनस दो आई, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार अब हम देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो लिखेंगे एक बटे तीन यक्ष प्लस दो, ये प्लस का वाई है इधर जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। अभी जो बटे में तीन है उधर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, गुणे में, यानी दो माइनस वाई गुणे तीन। तो यानी यक्ष बराबर तीन दुनी छः माइनस तीन वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिसे कैसे कहते थे, जब मान लो लिखा है यक्ष बराबर आठ, यक्ष बराबर आठ, या यक्ष का मान कितना है, आठ। इसी प्रकार यहाँ पर यक्ष का मान कितना है, छः माइनस तीन वाई, ये हमारे आंसर हो गए। नंबर दो, वाई का मान यक्ष के पदों में लिखिए। देखिए वाई का मान निकालना है, तो देखते हैं माइनस का वाई बराबर नौ, ये प्लस का पांच एक्स इधर गया, माइनस का पांच एक्स। अब ये बताइए माइनस वाई का मान पूछ रहा था या वाई का, हमारा पूछ रहा था वाई का, लेकिन ये किसका लिखा है, माइनस का, तो लिखेंगे माइनस वाई। देखिये यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस गया कट, यानी वाई का मान आ गया पांच एक्स माइनस नौ, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए वाई का मान है ये क्या है, मान, जैसे अभी हमने बताया था वाई बराबर माइनस तीन लिखा है, तो वाई बराबर तीन के है, या वाई का मान कितना है, तीन। इसी प्रकार वाई का मान ये आ गया जिस यक्ष के पदों में, देखिए यक्ष है इसमें वाई तो नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं सेकेंड नंबर, देखिए लिखेंगे माइनस का टू आई बराबर दस, ए प्लस का छह एक्स इधर जाएगा, माइनस का छह एक्स हो जाएगा। अब इधर वाई लिखेंगे, इधर माइनस दो है, या कहाँ जाए, ये कहाँ जाएगा, बटे में, क्योंकि इधर किसमें है, गुणे में, माइनस का दो, यानी वाई बराबर इसमें माइनस का दो कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए माइनस का कॉमन लेंगे तो प्लस का हो जाएगा तीन एक्स, और हो जाएगा माइनस का पांच बटे माइनस का दो, ये माइनस से माइनस कट गया, यानी वाई बराबर आंसर आ गया तीन एक्स माइनस पांच। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो लिखेंगे एक बटे दो आई बराबर चार, ये प्लस का दो एक्स इधर जाएगा, माइनस का दो एक्स हो जाएगा। अरे जो बटे में दो है उधर जाएगा, तो किसमें जाएगा, गुड़े में, यानी चार माइनस दो एक्स गुड़े दो, तो यानी वाई का मान आ गया आठ माइनस चार एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। नंबर तीन, हल कीजिए किसवी से सारणी से। दोस्तों ऐसे तो सारणी बहुत बेकार भी होती है, इसका कभी भी यूज मत करना, लेकिन अब अभ्यास है उसमें कह रहा है कि सारणी से हल कीजिए, तो सारणी से हल करते हैं। तो देखिए x प्लस वाई बराबर चार, यानी x और y को जोड़े कितना है, चार। तो पहले हम इसकी सारणी बना लेते हैं, x प्लस वाई बराबर चार। अगर x का मान एक है, मान लो इसका मान एक है, तो y का मान कितना होगा, तीन, क्योंकि देखिए एक और तीन चार। अगर x का मान दो है, तो x का मान दो और ये दो, यानी कितना हो गया, चार। अगर x का मान तीन है, x का मान तीन है, तो y का मान एक होगा, क्योंकि तीन एक चार। अगर x का मान चार है, तो y का मान कितना होगा, जीरो, क्योंकि चार और जीरो जीरो। अगर x का मान पांच है, तो y का मान कितना होगा, माइनस का एक। अगर x का मान छह है, तो y का मान कितना होगा, माइनस का दो। एक तो सारणी ये हो गई, दूसरी सारणी इधर देखते हैं, यहां पर ध्यान रखते हैं, जो पांच x के साथ में है, इसमें x का मान पहले नहीं रखेंगे, पहले y का मान रखेंगे। देखिए हम किस ऐसा क्या करना चाहते हैं, देखिए बारह है लिखा, तो y का मान अगर एक रख दे, तो बारह एक कम बारह। अब बारह में कितना जोड़े, जो तेरह हो जाए, तो एक जुड़ना है, तो पांच की गुणा हम करेंगे पॉइंट एक बटे दो से, एक बट देखिए पांच लिखा है, इसकी गुणा अगर हम कर दें, किस संख्या से गुणा कर दें, एक बटे पांच से गुणा कर दें, देखिए
यहाँ पर एक था 12 एकम 12, और यहाँ पर 5 लिखा है ऑलरेडी, यक्स के जगह रखेंगे 1/5, तो ये 5 से 5 गया कट, तो ये कितना आ जाता है 1, तो 1/5 का मतलब होता है 0.2, यानी 0.2। अगर यक्स वाई का मान हम रखते हैं 2, तो ये हो गया 12 दूना 24। अब ये माइनस का 24 में से 13 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 माइनस 13, तो ये कितना आ गया 1/11। अब 11 5 का पहाड़ कितनी बार पढ़े जो 11 हो जाए, लिखेंगे 2.2 भी किसका, माइनस का। इसी प्रकार हम लिखेंगे अगर यक्स का मान मान लेते हैं 5, तो देखिए 5 25, या वाई का मान मान लेते हैं माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 यानी माइनस का 12 हो गया, और ये 25 25 में से 12 आ गया 13। इसी प्रकार ये मान लेते हैं। अब देखते हैं सारणीबिंद से होता क्या है, सारणीबिंद में यक्स और वाई का मान निकालना होता है, यानी यक्स और वाई का मान निकालना था, तो यक्स और वाई का मान वो होता है जो दोनों सारणी में हो। देखिए 5 माइनस 1 और 5 माइनस 1, यानी यक्स का मान 5 और माइनस का मान 1, ये दोनों सारणियों को संतुष्ट कर रहा है। देखिए ये इसको संतुष्ट कर रहा है और यही इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, अब इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। अब देखिए 5x/y, तो देखिए अगर यक्स का मान 1 रखते हैं तो 5x/5, तो वाई का मान कितना आ गया 5, देखिए तभी तो दोनों तरफ बराबर होगा, इसके जगह 1 5x/5 और इसके जगह 5, तो बराबर हो जाएगा। अगर यक्स का मान 2 तो 5 दूनी 10, वाई का मान 10, अगर यक्स का मान 3 तो वाई का मान कितना हो जाएगा 15, अगर यक्स का मान -3 तो वाई का मान माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक। अगर यक्स का मान 0 तो वाई का मान भी 0 आएगा। इसी प्रकार हम यहां पर भी रखते हैं, देखिए अगर यक्स का मान 1 रखते तो 1, तो 1 का मतलब हो गया 2 एकम 2, ये तो 2 हो गया, तो वाई का मान 5 होगा, तभी तो होगा 2 और 5 7। अगर यक्स का मान रखते हैं 2, तो 2 दूना 4, तो वाई की जगह कितना रखना होगा हमको 3। अगर यक्स का मान 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7, अगर यक्स का मान 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा। अब अगर यक्स का मान मान लेते हैं 0 रख देते हैं, तो यक्स का मान 0 हो गया, तो वाई का मान 7। अब देखिए सारणीबिंद में वो होता है मान, ऐसे इसका मतलब यह होता है कि यक्स और वाई का मान निकालिए जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे। तो देखते हैं ऐसा कौन सा मान है जो हमारे दोनों सारणियों में है, ये है वाला मान है 1 और 5 1 और 5, इसका मतलब है यक्स का मान 1 और वाई का मान 5, देखिए इसको संतुष्ट कर रहा है, ये इसको संतुष्ट कर रहा है, तो यानी यक्स का मान 1 और वाई का मान 5। प्रश्न नंबर 4, हल कीजिए हुए प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि होता है तो सबसे पहले सवाल क्या हुआ, वहां पर होता था यक्स का मान वाई के पदों में ज्ञात कीजिए या वाई का मान एक्स के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं यक्स माइनस वाई बराबर 4, तो यक्स बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब ये जो 4 प्लस वाई है यक्स का मान है, जैसे हमने बताया यक्स बराबर 7, तो यक्स बराबर 7 के या यक्स का मान 7 है। इसी प्रकार ये यक्स का मान आया, देखो यहाँ पर मान आया, फिर देखते हैं क्या करते हैं, ये जो मान आया इसको अगले समीकरण में रखते हैं, जैसे लिखा 3x+2i = 27, तो लिखेंगे 3, यक्स का देखिए मान कितना आया है 4+y+2i = 27, ये हो गया 3 चक्कू 12+3y+2i = 27। अब ये देखते हैं 3y और 2y कितना हो गया, यहाँ 5y बराबर, ये 12 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा 15, कितना आया 15, 5y = 15, तो ये y = 15/5, यानी कितना आ गया y का मान 3। अब y का मान 3 आया, और x का मान देखिए, x का मान यहाँ पर आया था 4+y, यानी y में 4 जोड़ दें, यानी 4 और y का मान 3, यानी कितना आ गया 7, यानी x का मान 7 और y का मान 3, ये हमारा आंसर हो गया है, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब देखते हैं इसका सेकेंड सवाल, यक्स माइनस वाई बराबर -6 और एक्स प्लस वाई बराबर -18, तो देखते हैं सबसे पहले हम एक समीकरण उठाते हैं, यक्स माइनस वाई बराबर -6,
तो यक्स बराबर हो गया माइनस का छे, और ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का वाई, तो ये जो है यक्स का मान हो गया। इस मान को हम अगले समीकरण में रखकर मान निकाला जाता है। देखिए यक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, माइनस का 18। तो यक्स का मान कितना है, माइनस का 6 प्लस का वाई। देखिए यक्स यक्स का मान कितना है, ये वाला प्लस ये वाई बराबर माइनस का 18। अब ये वाई वाई 2y हो गया माइनस का 18, ये माइनस का 6 उधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, यानी 2y बराबर 6 में से 18 गया कितना आ गया, माइनस का 12। तो y बराबर हो गया माइनस का 12 बटे 2 यानी माइनस का 6। अब ये जो माइनस का 6 आया, अब x का मान तो यहाँ पर दिया हुआ था, x बराबर माइनस का 6 प्लस y यहाँ पर दिया हुआ, तो x का मतलब है माइनस का 6 ये हो गया, और y का मान माइनस का 6, तो कितना हो गया माइनस का 12। यानी x का मान माइनस का 12 और y का मान माइनस का 6। अब देखते हैं अगर जांच करना होता तो x माइनस माइनस का 12, 12 में से माइनस का 6 गया, माइनस का 6 बचा, और माइनस का 12 और माइनस का 6 माइनस का 18 जोड़ने पर यह हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, 3x प्लस 2y बराबर 0, 2x प्लस y बराबर माइनस 1। तो ऐसे इसको अगर हल करते पहले तो ये आसान हो जाता, लेकिन चलो हम पहले सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी तक ऊपर वाला समीकरण लेते थे, अब नीचे वाले समीकरण को हल करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि इस समीकरण अगर आप चेंज कर दो तो मान परिवर्तन हो जाएगा, आपका बस लगाने का तरीका सही हो। जैसे 2x प्लस वाई बराबर माइनस का 1, अभी तक वहां पर क्या करते थे, x का मान निकाल लेते, यहाँ पर y का मान निकालेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2x इधर जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। अब ये देखिए, ये पहले हमने वहां पर x का मान निकाल लेते थे, यहाँ पर y का निकाला हमने। अब देख क्या करेंगे, इस समीकरण को रखा था, अब क्या करेंगे, हम पहला वाला समीकरण यहाँ पर रखते थे, पहले क्या करते थे, पहला वाला लेते थे उसके बाद में दूसरे वाले में रखते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले दूसरा वाला लिया, पहले वाले में रखेंगे। तो हम पहला वाला है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 0। अब देखते हैं 3x प्लस 2 वाई का मान, यानी वाई का मान है माइनस का 1 माइनस का 2x बराबर 0। तो हो गया 3x प्लस का 2x कम 2 माइनस का 2, ये 2 × 2 = 4 माइनस का 4x बराबर 0। अब देखिए 3x में से 4x गया, बचा माइनस का x, ये जो माइनस का x है उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 2, यानी x का मान आ गया माइनस का 2। अब y का मान निकालना है, तो y का मान ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का 1 और माइनस का 2x। तो देखते हैं माइनस का 1 माइनस 2 गुणे माइनस 2, तो हो गया माइनस का 1 ये माइनस माइनस प्लस का 4, यानी ये आ गया हमारा 3। यानी x का मान माइनस का 2 और y का मान है 3, ये हमारे आंसर। अगर चाहे तो जांच भी कर सकते हैं, देखिए जांच कैसे, y का मान 3 है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, और x का मान माइनस का 2, यानी माइनस का 2 से 2 गुणा करेंगे माइनस 4, देखिए 3 में से 4 गया माइनस का 1। अब यहाँ पर अगर रखते 2 × 3 = 6, देखिए y का मान 3 है तो 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6 माइनस का ठीक 0 आ जाएगा। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4, अब देखते हैं सवाल नंबर 4, 2x माइनस 5y माइनस 16 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 1 बराबर 0। तो देखते हैं सबसे पहले हम पहले समीकरण को लेते हैं, 2x माइनस 5y माइनस 16 बराबर 0। तब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 16 इधर जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 5y ये इधर जाएगा प्लस का 5y। अब देखते हैं x का मान हो जाएगा, ये देखिए 2 गुणे में है तो इधर जाएगा बटे में, यानी 16 प्लस 5y बटे 2। अब देखते हैं ये जो है ये हमारा अभी तक x का मान है। अब देखते हैं x का मान किसी समीकरण में रख दें, किसी नहीं इसमें रखेंगे, पहले समीकरण लिया जाता है जिससे मान निकाला जाता है, फिर उसको दूसरे समीकरण में रखा जाता है, 3x प्लस 4y माइनस का 1 बराबर 0। तो 3 गुणे x का मान कितना है, 16 प्लस 5y बटे 2 प्लस 4y माइनस 1 बराबर 0। अब देखते हैं 3 से इसमें गुणा करेंगे, तो ये जाएगा 16 × 3 = 48 प्लस 3 × 5 = 15y बटे 2 प्लस 4y बराबर, ये माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे तो किस संख्या से गुणा करेंगे, 2 से, तो ये जाएगा हमारा 48 प्लस 15y प्लस 4 × 2 = 8y बटे 2 बराबर 1। अब ये जो 2 बटे में है इधर जाएगा गुणे में, इधर चला जाएगा, तो लिखेंगे 48 प्लस 15y 8y 23y
बराबर, ये देखिए 2 बटे में इधर गुणे में आ गया 1 दूना 2। अब क्या करेंगे, 23y = 2 - 48, यानी 23y - 46 और वाई का मान -46/23, तो ये आ गया -2। अब ये वाई का मान -2 आया। अब यक्स का मान, तो देखिए यक्स का मान यहाँ पर रखा था, लिखना तो हमको इधर चाहिए लेकिन यहाँ पर लिखा है, जगह भी खाली है। देख रहे हैं यक्स बराबर 16 + 5, वाई का मान कितना है -2/2, तो देखिए 16 × 5 = 10, किसका -2, यानी 16 में से 10 गया 6/2, यानी कितना आ गया 3। यानी यक्स का मान कितना है हमारा 3 और वाई का मान कितना है यहाँ पर -2। अगर चाहते तो जांच कर सकते हैं, ठीक है, आप जांच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है, हल कीजिए। हल कीजिए, देखिए x माइनस वाई बराबर 3, 1/2 x प्लस 1/2 y = 6। तो देखते हैं, ये मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट है और ये मान लेते हैं समीकरण सेकेंड है। अब देखते हैं इसमें किस संख्या से गुणा करते हैं, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे x के गुणांक मिल जाएंगे, मैच कर जाएंगे, यानी x माइनस वाई बराबर ऊपर वाला दिया है 3, और इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस, देखिए 1/2 लिखा है, 1/2 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, मतलब x प्लस वाई बराबर इसमें जब 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12। अब देखते हैं क्या करेंगे, जोड़ने पर लिखते हैं या घटाने पर, लेकिन निशान इसमें क्या है, समान है, समान अगर को अगर काटना है तो घटाने पर लिखेंगे, अगर विपरीत को काटना है तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो हम सबसे पहले x को काट रहे, वाई को काट रहे हैं, जोड़ने पर लिख देंगे, तो यक्स यक्स 2x, और इधर 12 और 3 15। अब 15 को जब हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स बराबर 15/2 या 7.5। अब क्या करते हैं, यक्स का मान किसी समीकरण में रख दें, यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया है 3, और यक्स का मान है कितना 15/2, 15/2 माइनस वाई बराबर 3, यानी माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15/2। अब देखते हैं माइनस वाई बराबर, इसमें हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 = 6 माइनस 15/2, यानी माइनस का वाई बराबर 6 में से 15 गया माइनस का 9/2, तो वाई वाई कट जाएगा, यानी वाई का मान आ गया 9/2, यानी 9/2 यानी 4.5। तो लिखेंगे यक्स बराबर आ गया 7.5 और वाई बराबर 4.5, या तो फिर ये 15/2 और ये 9/2 रखेंगे, ये हमारे आंसर हो गए। अब देखते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड, यक्स बराबर माइनस वाई प्लस 1, 2i = x - 4। अब देखते हैं यक्स लिखा, ये माइनस का वाई इधर लाया, प्लस को वाई हो गया, इधर प्लस का 1, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको देखते हैं, प्लस का एक्स इधर लाएंगे माइनस का एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का 2i ऑलरेडी लिखा ही है इधर, अब 2i बराबर इधर -4। अब देखते हैं यक्स वाले गुणांक बराबर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे निशान विपरीत है, तो लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर निशान तो चेंज नहीं होंगे और ये जाएगा कट, और ये हो जाएगा 3y - 3, वाई बराबर -3/3, मतलब ये आ गया -1। अब वाई बराबर कितना आ गया -1। अब वाई का मान समीकरण किस में रख दे, चाहे फर्स्ट में रख लो चाहे सेकेंड में रख लो, तो एक्स वाई का मान हम मान लो फर्स्ट में रख रहे हैं, फर्स्ट में रखने पर एक्स का मान फर्स्ट में रखने पर, यानी यक्स प्लस वाई बराबर कितना 1, तो यक्स प्लस वाई का मान -1/1, यक्स बराबर 1, ये माइनस का 1 है उधर जाएगा प्लस का 1, यानी यक्स का मान कितना आ गया 2। तो अब लिखेंगे हम मान, यक्स का मान 2 और वाई का मान -1, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते पॉइंट नंबर थर्ड, 1/2x + y = 1, 1/3x - 7y = 4। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट और ये समीकरण नंबर सेकेंड। अब ऐसा करते हैं, इसमें देखते हैं किसको बराबर करना आसान है, y को बराबर करते हैं, तो इसमें हम गुणा करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा हमारा 7/2x + 7y = 7। इसमें तो गुणा नहीं होगी, तो हम लिखेंगे 1/3x - 7y = 4। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान रखना है। अब लिखेंगे जोड़ने पर, देखिए जोड़ने पर क्या होगा हमारा, ये तो संख्या जाएगा कट, अब इसको हम अलग लिख कर जोड़ देते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 7/2x
प्लस एक बटे तीन एक्स। देखिए हर बराबर करेंगे इसमें तीन से गुणा होगी ऊपर नीचे और इसमें दो से, तो हो जाएगा सात त्रुक 21x प्लस 2x बटे 6, यानी ये हो गया 21 और 2 23x बटे 6। देखिए ये कितना हो गया 23x बटे 6x, और इधर हो गया ये 7 और 4 11। अब देखते हैं जब अब ये क्या करेंगे, जो 6 बटे में है इधर गुणे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 23x बराबर 11 छंगा 66 और x बराबर हो जाएगा 66 बटे 23। तो ये x का मान आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण किसमें रख दें, फर्स्ट में रख लो चाहे सेकेंड में रख लो, तो मान लो फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में रखने पर तो देखते हैं एक बटे दो x का मान कितना है 66 बटे 23 प्लस y बराबर एक। देखिए दो से इसको काटेंगे तो ये आ गया 33, तो लिखेंगे y बराबर एक माइनस 33 बटे 23। देखिए क्योंकि प्लस का था उधर जाएगा माइनस का, अब इसमें 23 से गुणा करेंगे तो 23 एक कम 23 माइनस 33 बटे 23, तो ये आ गया y बराबर माइनस का 10 बटे 23। तो इसका मतलब x का मान आया 66 बटे 23 और y का मान आया माइनस का 10 बटे 23। ये हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चार, 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21 और 4x प्लस y बराबर 22। तो देखते हैं बराबर करना है हमको गुणा, तो ये जो 2.5 है ठीक, इसमें अगर हम गुणा कर दें किस संख्या से, जो हमारा एक हो जाए, तो एक होने के लिए हम लिखेंगे जिससे 2.5 लिखा है, किस संख्या से गुणा कर दें जो एक हो जाए, तो देखिए 2.5 यानी बटे में लिखते हैं 2.5 एक बटे 2.5, देखिए पॉइंट हटाया 10 यानी 5 से काटा 2/5 यानी 2/5 से अगर हम गुणा कर दें, 2/5 से 2.5 लिखा है तो 2.5 में अगर हम 2/5 से गुणा कर दें, देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 25 दुना 50 और 25 दुना 50 यानी हम यहां पर गुणा करेंगे 2/5 यानी 2/5 से हम ये समीकरण मान लें इसको फर्स्ट 2/5 से गुणा कर दें, तो देखिए इसमें जब 2/5 से गुणा करेंगे यानी 1.5 गुणे 2/5 पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 15 दुना 30/50 यानी 3/5 ये आ गया हमारा 3/5 x प्लस इसमें जब गुणा करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, देखिए 2.5 में जब 2/5 से गुणा करेंगे 0 25 दुना 50 से 50 यानी 1 यानी वाई आ गया सिर्फ बराबर, इसमें जब 21 में गुणा करेंगे 2/5 से यानी 21 में 2/5 से 21 दुना 42/5 5 और 40 और 5 चक्कू 20 यानी 8.4 कितना आएगा 8.4। अब देखते हैं यहां पर ये लिखेंगे 4x प्लस वाई बराबर 22। अब देखिए थोड़ा टेक्निकल सवाल है, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, ये हो जाएगा कट, ये माइनस का हो जाएगा ये माइनस का। हाँ अब देखिए 3/5 में से कितना घटाना है 4, तो यहाँ पर एक मानेंगे 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3-5 चक्कू 20/5 यानी ये आ गया माइनस का 17/5 ये आ गया माइनस का 17/5 x और इधर कितना आ गया 8.4 में से 22 घटाना है, तो 22 में से 8.4 घटा लेते हैं फिर लिख देंगे यानी 0.6 और यहां पर बचा 11, 11 में से हट गया 3 यानी 13.6 माइनस का बचा 13.6। अब देखिए माइनस माइनस गया कट, ये जो 5 है गुणे में आ जाएगा और ये 17 बटे में आ जाएगा 13.6 गुणे 5/17 ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 यानी 0 5 दुनी 10। अब ये इसको मान लो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12 कितना बचा 1 2 8 16। अब ये 17 चक्कू 68 यानी x का मान कितना आ गया 4। अब जब x का मान 4 आ गया, देखिए x का मान कितना है 4, अब x का मान किसी समीकरण में रख दें या मान लो पहले में रख लें या समीकरण दूसरे में रख लें, तो x का मान 4 आया तो मान लो पहले ही में रख लेते, देखते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर तो पहला समीकरण है 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21, तो 1.5 x का मान कितना है 4 प्लस 2.5y बराबर
किस। अब देखिए ये हो गया हमारा 2.5y बराबर 21, और ये हो जाएगा 15 चक्कू 60, आएगा फिलहाल 6 आंसर। देखिए किससे कैसे, 1.5 × 4 पॉइंट रहेंगे नीचे 0, 15 चक्कू 60 बटे 10 यानी कितना आ गया 6, वो भी किसका लिखेंगे इधर माइनस का। अब लिखेंगे 2.5y 21 में से 6 गया कितना बचा 15, यानी y बराबर 15 बटे 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 यानी y का मान 6। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे x बराबर 4 और y बराबर 6, ये हमारे आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 6 का पहला सवाल, x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1, तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट है और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड है। अब ऐसा करते हैं, देखिए y y और x दोनों का समान है तो कुछ भी लिख दें, चाहे जोड़ने पर लिख दें या घटाने पर लिख दें, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं घटाने पर लिख देंगे। तो घटाने पर क्या होता है, निशान चेंज हो जाता है, जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए प्लस का वाई और प्लस का वाई, ये कितना हो गया 2y, अब यहाँ पर कितना है माइनस का है तो यहाँ पर आ गया 2, यानी वाई का मान कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख देते हैं, माना कि फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में रखने पर यानी यक्स प्लस वाई बराबर 3, तो यक्स का मान, यक्स प्लस वाई का मान कितना है 1 बराबर 3, यक्स बराबर हो जाएगा 3 − 1 यानी यक्स का मान आ गया 2। तो हम लिखेंगे आंसर यक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1, ये हमारे आंसर हो गए। देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट, 2x + y = 3, 2x − y = 1। अब देखते हैं एक तो 2x बराबर है लेकिन इसके समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह है तो लिख देंगे घटाने पर, और ये जो विपरीत चिन्ह है इसको लिख देंगे जोड़ने पर। अब चाहे x को काटिए या y को, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है, तो ऐसा करते हैं चाहे x को काट लिए चाहे y को, यानी चाहे जोड़ने पर लिख देंगे घटाने पर। अगर जोड़ने पर लिखेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, ये 2x कितना हो गया 4x = 4, यानी x का मान हो गया 4/4 यानी कितना हो गया 4, यानी x का मान 4। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रख दे, फर्स्ट या सेकंड चाहे जिसमें रख दे, तो हो जाएगा 2x + y = 3, तो हो जाएगा 2x का मान, सॉरी यहाँ पर है 1, 4 से 4 को भाग दिया कितना आया 1, तो 2 × 2 + y = 3, तो y बराबर 3, 2 × 2 आएगा उधर जाएगा घट जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया 1, यानी x का मान 1 भी और y का भी मान 1, ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं पॉइंट नंबर 3, x + 2y = 2, x − y = −1। देखिए x वाला बराबर है तो इसे मान लेते हैं सबसे पहले समीकरण फर्स्ट और ये मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब देखते हैं यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि ये निशान क्या है समान, तो समान है तो घटाने पर विपरीत हो जाता है नीचे वाला, यानी ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का है सॉरी, तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये गया कट, 2y 1y यानी कितना हो गया ये 3y, 2 + 1 यानी 3, यानी वाई का मान आ गया 3/3 यानी कितना 1। अब क्या लिखेंगे, वाई का मान समीकरण चाहे फर्स्ट में रख लो या सेकेंड में रख लो, मान लो सेकेंड में रख देते हैं यहाँ पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर तो लिखेंगे x − y = −1, x − y का मान कितना 1, −1 यानी x = −1 लिखा है, ये माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, यानी x बराबर ये गया कट, यानी x का मान है 0, x का मान कितना होगा 0 और y का मान कितना है 1, तो यानी x का मान 0 और y का मान 1, यह हमारा आंसर। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4, 3x − y = 4, 2x − y = 2, तो देखिए y y समान है तो क्या लिख देंगे हम घटाने पर, तो घटाने पर निशान चेंज हो जाएगा और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का, 3x में से 2x गया कितना बचा x, और यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, यानी x का मान कितना आ गया 2। अब लिखेंगे x का मान, ये मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लो चाहे सेकेंड में रख लो, मान लेते हैं फर्स्ट में रखने पर, तो लिखेंगे 3x − y = 4, तो 3 × x का मान 2 − y = 4, −y = 4, देखिए 3 × 6 आएगा उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का वाई बराबर माइनस का 2, माइनस माइनस कट जाएगा, वाई बराबर कितना आ गया 2, तो लिखेंगे x बराबर 2
वाई बराबर 2, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7, हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पर हल करना फिर उत्तर की जांच। तो मान लेते ये हमारा पहला समीकरण है और ये मान लेते समीकरण सेकेंड है। अब देखते इसमें बराबर किसको कर सकते हैं, एक्स और वाई दोनों को बराबर कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर 3 लिखा है इसमें 2 से गुणा कर दे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 लिखा है इसमें 3 से गुणा कर दे तो 2 से जब गुणा करेंगे तो पूरे में गुणा करेंगे 4x - 6y = 26, और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे 3 से 21x - 3 - 6y और 20 + 60। अब क्या करेंगे, देखिए निशान सेम है तो सेम के लिए क्या लिखते हैं, घटाने पर तो ये जाएगा प्लस का, यानी चेंज हो गया, ये जाएगा कट, और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। 4 में से 21 गया बचेगा 17, वो भी माइनस का, और यहाँ पर 26 में से 60 गया तो बचेगा माइनस का 34, यानी एक्स बराबर माइनस का 34 बटे माइनस का 17, यानी एक्स का मान कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे, एक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दें, यानी एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकेंड में, मान लो फर्स्ट में रखने पर तो सब फर्स्ट समीकरण लिखेंगे 2x - 3y = 13, 2x - 3y = 13, 2x = 2 - 3y = 13, तो माइनस का 3y = 13, और 2 × 4 उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9, माइनस का 3y = 9, तो ये आ गया y = 9/-3, यानी ये आ गया -3। अब x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया -3। अब उत्तर की जांच करना है, अब उत्तर की जो जांच होगी, अब उत्तर की जांच चाहे जिस पर चाहे पहला समीकरण ले ले या दूसरा ले ले, तो मान लेते हैं पहला ही लिख लें 2x - 3y = 13, 2x = 2 - 3y - 3 = 13, देखिए 2 × 4 और ये -, प्लस का 3 × 9 = 13, यानी 13 = 13, यानी LHS = RHS, उत्तर की जांच हो गई। इसका मतलब ये जो आंसर है x = 2y = -3, ये हमारा सत्य है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, 3x - y = -2, 3x + 4y = -17, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट और ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब देखते हैं ऐसा करते हैं, x या y किसी को बराबर करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा x ऑलरेडी बराबर है, तो बराबर है तो क्या लिख देंगे हम, घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये गया कट। अब देखिए माइनस का 4 माइनस का 1 तो ये हो गया -5y, और इधर देखिए 17 में से 2 गया यानी 15, तो y बराबर हमारा आ गया 15/-5, यानी कितना आ गया -3। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसी में भी रख दें, यानी चाहे फर्स्ट में रख दें या सेकेंड में, मान लेते हैं हम सेकेंड में रख देते हैं, तो लिखेंगे 3x - y = -2, तो लिखेंगे 3x - y का मान कितना है, -3। देखिए यहाँ पर बारीकी से ध्यान रखना है, 3x - ये तो माइनस सवाल वाला है, और y का मान आया है -3 = -2, अब लिखेंगे 3x, देखिए -, प्लस का हो जाएगा, लेकिन उधर जाएगा तो माइनस का ही लिखा जाएगा, माइनस का ही लिख देंगे, तो आ गया देखिए -, प्लस का 3 आया, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 3x = -5। अब देखिए x का मान हो जाएगा हमारा -5/3, -5/3, x का मान यह आ गया, y का मान यह आ गया। अब उत्तर की जांच देखते हैं, उत्तर की जांच के लिए कोई समीकरण रख लेते हैं, मान लो 3x - y = -2, तो 3x का मान कितना है, -5/3, -y का मान कितना है, देखिए तो ये तो माइनस जो है सवाल वाला है, और y का मान कितना है, y का मान है -3/-2, देखिए 3 से 3 कट गया, -5 आया, ये -, +3 आया = -2, तो ये आ गया -2/-2, यानी LHS = RHS, इसका मतलब आंसर हमारा सत्य है। तो आंसर है कितना, x = -5/3 और y = -3, ये हमारे आंसर हो गए। अब मान लेते हैं 3x + y = 4, ये पॉइंट नंबर तीसरा है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं x + 2y = 3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब देखते हैं यहाँ पर ना तो x बराबर है ना तो फिर y के गुणांक, तो अगर x के गुणांक बराबर करेंगे तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, अगर y के गुणांक बराबर करेंगे तो इसमें 2 से, तो मान लेते हैं पहले y का गुणांक बराबर करते हैं, तो देखते हैं 2 +
6x प्लस 2y प्लस बराबर 2×8। अब इसमें x प्लस 2y बराबर 3। अब देखिए क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये का कट और ये माइनस का। 6x में से x गया 5x बराबर 5, यानी x का मान कितना आ गया 5/5, यानी कितना 1, x का मान आ गया 1। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, मान लो सेकंड में रख देते हैं, बार बार पहली बार में पहली में रख रहे थे, यानी x प्लस 2y बराबर 3, तो x का मान कितना 1 प्लस 2y बराबर 3। अब देखते हैं 2y बराबर 3, ये प्लस का है किधर का घट गया, यानी ये आ गया हमारा 2y बराबर 3 में से 2 गया यानी 2, यानी y बराबर आ गया हमारा 2/2, यानी कितना 1। अब देखते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। अब देखते हैं हमेशा पहला रखते थे, अब दूसरे रख रहे हैं दूसरा समीकरण, यानी x प्लस 2y बराबर 3, x का मान 1 और y का मान भी 2, 1 आया है बराबर 3, 1 प्लस 2 बराबर 3, यानी 3 बराबर 3, LHS बराबर RHS, अतः मतलब हमारा ये पता चला है कि सवाल सत्य है और आंसर कितना है, x बराबर 1 और y बराबर 1, ये हमारे आंसर है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 10y प्लस 5, तो पहले इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 दुनी 6y बराबर 10y प्लस 5। तो देखिए 3x प्लस 6y माइनस का इधर ले आएंगे 10y बराबर 5, तो ये हो गया 3x प्लस 6y, सॉरी 6 में से 10 गया कितना बचा माइनस का 4y बराबर कितना 5, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे, पहले तो लिख लेते हैं 2x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2, 2x हो गया ये, प्लस का 2 दुना 4y बराबर 3x प्लस 2, तो 2x माइनस का 3x प्लस 4y बराबर 2, 2x में से 3x गया माइनस का x प्लस 4y बराबर 2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर मान लेते हैं सेकेंड, ये फर्स्ट है सेकेंड। अब देखते हैं इसमें कौन सा बराबर है, देखिए y वाला ऑलरेडी बराबर है, तो ऑलरेडी बराबर तो हम दोनों को बस पास में रख लेते हैं, तो मान लें समीकरण नंबर सेकेंड लिखा है, फर्स्ट लाकर यहाँ पर लिख देते हैं 3x माइनस 4y बराबर 5। तो देखते हैं क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये विपरीत है तो हम लिख देंगे जोड़ने पर, क्या लिख देंगे जोड़ने पर, तो ये गया कट और 3 और x इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x और ये आ गया हमारा 7, यानी x का मान आ गया 7/2, x का मान कितना आ गया हमारा 7/2। अब x का मान समीकरण चाहे फर्स्ट में रख लो या सेकेंड में रख लो, देखिए x का मान मान लेते हैं हम सेकेंड मान लो फर्स्ट में रख लेते हैं या सेकेंड में रख लेते हैं, सेकेंड में रखने पर तो सेकेंड वाला समीकरण है माइनस का x प्लस का 4y बराबर 2, तो देखिए माइनस के x का मान है माइनस का 7/2, माइनस लिखेंगे फिर x का मान है 7/2 प्लस 4y बराबर 2, तो देखते हैं 4y बराबर हो जाएगा हमारा 2, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का 7/2, तो इसमें हर बराबर करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 दुना 4 प्लस 7/2 ये 4y, यानी 4y बराबर हो गया हमारा 2 × 4 यानी 11/2। अभी जो 4 है बटे में आ जाएगा हमारा 11/2 1/4, यानी हमारा आंसर हो गया y बराबर 11/8। तो x का मान देखते हैं कितना है और y का, तो x का मान है हमारा 7/2 और y का मान है 11/8, यानी x का मान 7/2 और y का मान है 11/8, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए पहले से बता रहा समीकरण को हल कीजिए, फिर देखिए पहला समीकरण ये है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो हम लिख लेंगे x प्लस 7/y/15 बराबर 3, तो देखिए इसमें से गुणा करेंगे 15 से ऊपर नीचे और इसमें 7 से, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 7y/105 बराबर 3, तो ये हो जाएगा हमारा 15x प्लस 7y बराबर, इसकी जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 315, यह हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम इस दूसरे समीकरण को हल करेंगे, x/2 - y/5 बराबर कितना
चार। अब देखिए इसमें हर बार करेंगे तो इसमें पांच से ऊपर नीचे गुणा होगी और इसमें दो से, तो देखते पांच एक्स हो गया माइनस का टू आई बटे दस बराबर चार। पांच एक्स माइनस दो आई बराबर, ये जो दस बटे में है इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा दस चक्कू चालीस। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड, अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे जो गुणांक बराबर हो जाए। तो x में अगर हम तीन से गुणा कर दे तो तीन पच्चे पंद्रह हो जाएगा, पंद्रह ऑलरेडी लिखा है। तो हम समीकरण नंबर फर्स्ट को पहले लिख रहे हैं यहाँ पर, पंद्रह एक्स प्लस सात वाई बराबर 315, और इसको तीन से गुणा करेंगे तो हो जाएगा तीन पच्चे पंद्रह एक्स माइनस का छ वाई बराबर 40 120। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये गया कट। और सात वाई और छह वाई कितना हो गया, तेरह वाई। अब देखिए ये घटाएंगे तो ये बचा हमारा पांच, ग्यारह में से दो गया नौ, और इधर दो में से एक गया एक, 195। तो वाई बराबर हो जाएगा हमारा 195 बटे 13, 13 से भाग देंगे 13 एकम 13 बचा 6, 13 पच्चे 65, यानी वाई का मान कितना आया 15, y का मान 15। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण चाहे फर्स्ट में रख लो या सेकेंड में। तो देखते हैं फर्स्ट कहाँ पर है, ये वाला है, और सेकेंड कहाँ पर है, ये वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर मान लो अगर सेकेंड में रख दें, सेकेंड में रखने पर तो लिखेंगे 5x माइनस 2y बराबर 40। तो 5x माइनस 2y का मान कितना है 15 बराबर 40। तो लिखेंगे 5x बराबर 40, 15 दोनों 30, वो भी किसका, माइनस का, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो गया 70, तो x बराबर 70 बटे 5 यानी कितना आ गया 14। यानी x का मान कितना है हमारा, x का मान 14 और y का मान 15, ये हमारे आंसर हो गए। पॉइंट नंबर तीन देखते हैं, पॉइंट 5x माइनस 7y बराबर 2, ये है समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखते हैं यहाँ पर बराबर करना थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो ऐसा करते हैं किसी की संख्या को इसमें गुणा कर दो और किसी संख्या को इसमें गुणा कर दो। तो देखते हैं 4.4 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 7, तो इसमें गुणा कर दो सीधे 4.4 से और इसमें गुणा कर दो सीधे 7 से। तो जब 4.4 की इससे गुणा करेंगे तो देखिए ये कितना होगा, जब 0.5 की गुणा करेंगे 4.4 से, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 और ये 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और इसको 2 से काटेंगे यानी 22, और जब 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.2, यानी इसकी इसके साथ जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.2 एक्स माइनस, इसके साथ जब गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 और 2 30 वाई बराबर, जब इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8.8, और जो 7 की इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 7 चौक 28 और 7 रुक 21 और 2 23 यक्स माइनस, इसके साथ जब गुणा करेंगे तो वही आएगा 30.8 वाई बराबर 7 चौक 28 पॉइंट लगाया, 7 पचे 35 और 2 37, 7 एकम 7 3 10 107। अब देखते हैं ऐसा क्या कर किया, अब देखो करना है हमको घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये गया कट, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का। अब देखिए 2.2 में से 23.8 गया, तो घटा इधर से लेते हैं 8 में से 2 गया 6 और 23 में से 2 गया 21, 21.6 एक्स, वो भी किसका, माइनस का। सेम प्रोसेस यहां पर भी, घटा इधर से लेंगे तो 8 में से 8 गया तो कुछ नहीं, और 17 में से 8 गया बचा 9, और यहां पर यानी 99। अब क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 99 बटे 21.6, ये भी माइनस क्या था, माइनस माइनस क्या कट। अब देखते हैं इसको जब हल करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ गया, तो हम सबसे पहले काटते हैं 3 से, देखिए 3 सत्ते 21, 3 दुनी 6, यहां पर 3 से काटा 3 3 9 यानी 33, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काट दें या 3 से काट दें, 3 से ही काटते हैं, तो 3 दुनी 6 और 3 चक्कू 12, ये आ गया 110, फिर इसको हम 2 से काटें तो ये आ गया 12, ये आ गया 2 से 55, यानी x का मान आ गया 55 बटे 12। अब x का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो मान लेते हैं हम या यही पर ही छोड़ देते हैं 110 बटे 24 पर ही, नहीं काटते हैं ज्यादा, यानी x का मान आ गया 110 बटे
24, कितना 24, 110 बटे 24। अब देखते हैं इसका मान रखना है हमको, अब देखते हैं x का मान आया 110 बटे 24। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x समीकरण फर्स्ट है, माइनस 0.5x माइनस 7y बराबर 2, 0.5x x का मान है 110 बटे 24 माइनस 7y बराबर 2। तो देखते हैं ऐसा करते हैं, 0.5 हटाएंगे यानी 0, 10 से एक जीरो कट गया, 11 पचे 55 बटे कितना आ गया 24, माइनस 7y बराबर 2। तो देखिए माइनस 7y बराबर 2 माइनस ये उधर जाएगा 55 माइनस 24, तो देखिए 24 से इसमें गुणा करेंगे, 24 दो 48, 48 में देखिए 48 माइनस 55, देखिए 24 दो 48 बटे 24 यानी 7y। अब देखते हैं 48 में से 55 गया, ये बचा 7, 7y 7 बचा किसका, माइनस का, बटे 24 वाई बराबर, अब वाई बराबर जो 7 है ये कहाँ जाएगा, बटे ये जाएगा कट, यानी वाई का मान आ गया 1/24 माइनस का, यानी पहला यक्स का मान है ये वाला और वाई का मान है माइनस का 1/24, ये दोनों हमारे मान हो गए। अभ्यास 7e 7a द एंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।